जी हाँ, आप एक बोतल से ही इतनी फॉगी क्रीमी कोल्ड कॉफ़ी घर पे बनाकर पी सकते हो। आपने तो कई रेसिपी देखी होगी कोल्ड कॉफ़ी बनाने के, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही सरल है, बहुत ही नया है और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आज आपको ज़्यादा कॉफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो का आपको नेस कॉफ़ी के एक पैकेट लेना है और सिर्फ एक बोतल लेना है। जी हाँ, एक बोतल से ही आप बहुत ही आसानी तरीके से क्रीमी फॉगी कॉफ़ी रेडी कर कर पी सकते हो। गर्मियों के दिन में सबका ये फेवरेट रहता है। तो देखिए, मैंने यहाँ कॉफ़ी के एक पैकेट को डाल दिया यहाँ बोतल में। फिर मैं यहाँ 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी का वजन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ 2 चम्मच बोतल में इस प्रकार हाथों से डाल रही हूँ, चम्मच से नहीं डलाता है, तो इसलिए मैं इसे हाथों में डालकर और बोतल में डाल दी। फिर हल्का सा मैं यहाँ पानी यूज करूँगी, हल्का सा 2 से 3 चम्मच आप पानी यहाँ ले लें और बोतल का ढक्कन बंद करके आप इसे 3 से 4 मिनट तक इस प्रकार हिलाते जाएं। इतनी आसान तरीके से ये कॉफ़ी बनेगी, आप कहीं भी कभी भी इसे बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है, गर्मियों में तो ये सबका पसंदीदा ये कोल्ड ड्रिंक है, तो आप ये कहीं भी ट्राई कर सकते हो। तो देखिए, 5 मिनट के अंदर ही आपको ये क्रीमी देखिए इस प्रकार का चेंज मिल जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि चीनी भी बहुत अच्छे से घुल चुकी है, बिल्कुल ये क्रीमी फॉग वाली हो चुकी है। तो अब मैं ढक्कन को खोलकर एक गिलास में सारे कॉफ़ी को डाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ मैं सारे कॉफ़ी को इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और फिर मैं यहाँ ठंडे ठंडे यहाँ दूध मिक्स करूंगी। आप चाहे तो आइस क्यूब भी इसमें डाल सकते हो अपने पसंद के अनुसार। बस क्या लीजिए, आपका कोल्ड कॉफ़ी दम बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। तो आप इस प्रकार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपने कोल्ड कॉफ़ी कब और कहाँ पी थी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।